फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ITVP एनिमल ट्रांसपोर्ट के भर्ती के बारे में। इससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन के ऊपर आपको डिटेल दिया था कि एनिमल ट्रांसपोर्ट का भर्ती कितना आया है। अब इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कितना फ़ीस लगने वाला है फॉर्म भरने में, कौन कौन भर सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और कब से कब तक अप्लाई होगा, और इसमें आपका फ़िजिकल होगा तो कितना रनिंग है, कितने टाइम मिलेगा, सिलेबस क्या है आपका, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। ये देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ऑनलाइन अप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर मेल एंड फीमेल। इसमें मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन नेपाल भूटान इंक्लूडिंग मेरे नेपाल भूटान के भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका पोस्ट का नाम है एनिमल ट्रांसपोर्ट ग्रुप सी का नॉन गैजेट पोस्ट, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ऑनलाइन भरने का डेट है 29 अगस्त, यानी इसी महीना 29, आज है 27 तारीख, और यानी 28 उसके बाद 29, यानी 2 दिन के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। और यहाँ पे 29 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट पहले भी बताया था कि टोटल पोस्ट 52 पोस्ट है और इसमें ऑल इंडिया बेसिस पे भर्ती चलने वाला है। इसमें मेल और फीमेल, मेल कैंडिडेट का टोटल 44 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट का टोटल 8 पोस्ट है, और सभी में कैटेगरी जनरल में 28 है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल में 5 है, EWS में 4 है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 1, SC में है 2 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 0, और ST में 10 है और OBC में 2 है, सॉरी ST में 10 है और फीमेल के लिए 2 है। तो यहाँ पे OBC कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म यहाँ पे मतलब वैकेंसी नहीं दिया गया है, OBC कैंडिडेट इसमें नहीं भर पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे कि ये भर्ती इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, ये सभी वैकेंसी में ऐसा ही लिखा रहता है नोटिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया नो वैकेंसी रिजर्व OBC कैटेगरी, जो कि मैं पहले ही बता दिया इसमें नहीं मेंशन है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें जो बताया गया कि 10% वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है इसमें। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे स्केल के बारे में बताया है कि इसमें जो पे स्केल आपको मिलने वाला है लेवल 3 का मिलने वाला है, पे मैट्रिक लेवल 3 का ये जॉब है, और 21,700 से लेकर 69,107 CPC के तहत इसमें मिलने वाला है। उसके बाद अदर अलाउंस जैसे कि यहाँ पे DA मिलने वाला है, रेशन मनी मिलने वाला है, ऐसे स्पेशल कंपेंसेटरी मिलने वाला है अलाउंस, HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंपेसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर अलाउंस एडविसेबल है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि न्यू रिस्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यू पेंशन स्कीम भी है, जो कि नया 2004 के बाद से जो हटा दिया गया उसके बाद नया पेंशन स्कीम लागू किया गया है। उसके बाद इसमें एज की बात की जाए तो एज जो जनरल कैंडिडेट का 18 से लेकर 25 साल तक, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है आपका माध्यमिक पास, यानी 10th अगर पास है सिंपल तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कट ऑफ डेट फॉर एज रिलैक्सेशन, जो एज इसमें रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल, यानी कब से डेट, यानी 27 सितंबर 2022 आपका डेट कट ऑफ डेट रखा गया है एज के लिए, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए कौन कौन होगा, 28 सितंबर 1997 से लेकर 27 सितंबर 2004 के बीच में जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट। अगर आप इसमें OBC कैंडिडेट आते हैं, जैसे कि OBC तो इसमें भर्ती है ही नहीं तो OBC के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे SC और ST के लिए टोटल 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में। तो यहाँ पे जो 18 से 25 साल जो जनरल कैंडिडेट है तो इसमें और 5 साल जोड़ लीजिएगा तो 30 साल के तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एक सर्विसमैन जनरल 3 साल का छूट इसमें एज में, या उसके बाद एक सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल का छूट, उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह है उनको 40-45 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे छूट और भी दिया है जो आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट के बारे में कुछ जिक्र किया है जो कि आप लोग इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड का बात की जाए तो फर्स्ट में तो इसमें हाइट आपको मापा जाएगा, तो हाइट इसमें कितना है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट 80 से लेकर 85 तक, यानी नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए, फुला के 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए।
उसके बाद इसमें बोला है कि जो फीलिंग इन द इसमें जो डोगरा वगैरह जो रहता है, मराठा वगैरह रहता है, मतलब जो हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनका 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल का कोई चेस्ट नहीं मापा जाता है। उसके बाद फुला के 83 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट है उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 और 76 से 81 यहाँ पे चेस्ट फुलाना होगा। आपका जो वेट होगा वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड बारे बोला आई साइट के बारे में, तो आप लोग आई साइट देख लेंगे 6x6 और 6x9 बोथ आइज विदाउट करेक्शंस विदाउट वियरिंग स्पेक्ट्रल यानी बिना लेंस और बिना चश्मे के आपको वहाँ पे आपका मेडिकल होगा चेकअप, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बोला है हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आप कहाँ से करेंगे, तो ये ऑफिशियल साइट है, देख सकते हैं www.recruitment.itbpolice.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है, तो 100 रुपीस लगने वाला है किनका, UR और जो EWS कैंडिडेट है उनको लगेगा, और STSC को कोई फ़ीस नहीं देना है और फीमेल कैंडिडेट को भी कोई फ़ीस नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि कब से कब तक, तो पहले ही बता दिया। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो फर्स्ट में तो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद इसमें भी स्क्रूटनी किया जाएगा फॉर्म को, स्क्रूटनी मतलब उसमें जो अगर कोई गलती भरता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखिए, तो यानी PST फर्स्ट में PET होगा, तो PET मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जो कि 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें लॉन्ग जंप है 11 फीट का, 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद हाई जंप 3.5 फीट का जो कि 3 चांस दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रेस 4:45 और यहाँ पे लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा जो कि 3 चांस दिया जाएगा और हाई जंप होगा 3 फीट का जो कि 3 चांस दिया जाएगा। इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, PET में कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा, तो PST में हाइट वेट चेस्ट आपका मापा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो फेज़ 2 में जो होगा आपका, फेज़ 1 में PET PST और फेज़ 2 में आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम आपका यहाँ पे बोला गया है कि रिटन एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आपका रिटन टेस्ट OMR बेस पर भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस यानी CBT पर भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अभी पूरा कंफर्म नहीं बोला है कि OBC होगा या कंप्यूटर होगा, दोनों में से कोई एक उस समय आपको पता चल जाएगा। टोटल इसमें ड्यूरेशन यानी टाइम दिया जाएगा 2 घंटा का पेपर रहेगा, 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। तो इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद है यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद रीजनिंग रहेगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे आपका रीजनिंग वगैरह डिस्टिंक्टिव पैटर्न बायलिंगुअल रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश यानी इंग्लिश करना चाहे तो इंग्लिश कर सकते हैं या हिंदी करना चाहते तो हिंदी बेसिक नॉलेज, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की है वो कहाँ आएगा, तो इसी साइट पे आपको आंसर की आपको देखने को मिलेगा ITPP का ऑफिशियल साइट पे। इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम बोला है कि UR EWS और एक सर्विसमैन का 35% और SC ST का 33% रखा गया है। मेरिट लिस्ट के बारे में टाइकेस सब देख लेंगे। उसके बाद जो फेज़ 3 है तो फेज़ 3 में वेरीफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चेक किए जाएंगे उस समय जब आप फेज़ 3 में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको देखे दिखा जाएगा, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दिखा जाएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, और उसके बाद यहाँ पे अगर SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, Annexure 1 में दिया है, EWS का Annexure 2 में दिया हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलेशंस हाइट, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो डिस्चार्ज, एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज, उसके बाद 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपका DME होगा यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें ये सब पॉइंट आप लोग देख लेंगे किसके द्वारा होगा, CAPF, असम राइफल जो भी है उनके द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होने वाला अगर आप री मेडिकल दिया जाता है तब। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि OMR सीट वगैरह रफ सीट ये सब दिया जाता है, ये सब पढ़ लेंगे, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे की तरफ है तो नो ऑब्जेक्शंस वगैरह से बहुत कुछ दिया है तो आप लोग चेकआउट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ST और ST वालों को यहाँ पे दिया है OBC मतलब ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट में आपका वो ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक यानी EWS कैंडिडेट है, EWS का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, बना चुके हैं, तो इस टाइप का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस टाइप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, सब कुछ का यहाँ पे फॉर्मेट नीचे की तरफ दे, इसका प्रिंटआउट लेके आप अपना जो भी कागज़ बनवाना है वो आगे से आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस किस तरह का भर्ती है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।